ऑपरेशन रंगे हाथ में लगातार हम बता रहे हैं कि दिल्ली में अलग अलग विभागों में कोई भी काम कराना हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे रजिस्ट्री करानी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आपको कोई काम हो, हर जगह आपको पैसे देने ही पड़ते हैं। और ये लगातार सिलसिला होते होते ये आया कि दरअसल ऐसा नहीं है कि बीते 50 दिनों में जब केजरीवाल की सरकार थी या आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उस दौर में भ्रष्टाचार कम हो गया था। हम आपको पहले दिखाते हैं दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक डीएम का क्या कहना है, क्योंकि उन्होंने अपने तौर पर इस बात का खुलासा किया है कि दरअसल इस स्ट्रिंग में ये खुलासा हुआ है जो कि अंडरकवर रिपोर्टरों ने किया है, उन्होंने कैमरे पर यह माना है कि केजरीवाल के वक्त में डबल हो गया था खेल, क्योंकि नकेल कसी जा रही थी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीएम का यह कहना है कि दरअसल दोगुना पैसे देकर काम कराए जा रहे थे, डर था तो काम कराने के लिए पैसे रुके नहीं थे, यानी वो हाथ थमे नहीं थे, सिवाय इसके कि वो रिस्क ज्यादा बढ़ गया था तो रेट भी डबल हो गया था। अब सवाल यह है कि उस समय रेट डबल था, अब रेट कम है, क्योंकि अब खुले तौर पर हर चीज पैसे ले देकर हो रही है। और इन सब के बीच दिल्ली में एलजी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हम लगातार इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि जो कैमरे पर पैसा लिया जा रहा है, नोट लिए जा रहे हैं, उन अधिकारियों के बारे में कोई एलजी की तरफ से कुछ तो बात आए, क्योंकि चुनी हुई सरकार नहीं, बकायदा राष्ट्रपति शासन यहां पर लागू है। आइए, लेकिन उससे पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए भ्रष्टाचार और घुसखोरी रुकी नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में माल से लदे इन ट्रकों की कतार जरा गौर से देखिए। इनमें कई ऐसे ट्रक हैं जिन्होंने माल तो लोड कर लिया लेकिन पक्की रसीद नहीं बनवाई, यानी माल पर बिना टैक्स दिए ये ट्रक दिल्ली के अंदर दाखिल हो रहे थे। आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये ट्रक पकड़े जाने के बाद भी पूरा टैक्स नहीं देते और छूट जाते हैं। जी हाँ, ट्रक वाले बैठ के उन अफसरों की मुट्ठी गर्म करते हैं और आगे चलते बनते हैं। आज तक के रिपोर्टर ने घूस के इस खेल को बेनकाब करने के लिए एक ऐसे ही ट्रक का सहारा लिया। अंडरकवर रिपोर्टर वैट दफ्तर का सच जानने के लिए खुफिया कैमरे के साथ अफसरों से रूबरू हुआ। मालवाहक ट्रक पर 75,000 की टैक्स पेनल्टी, 75,000 की जगह 33,000 में हुई डील, अफसर को दी 10,000 की रिश्वत। मैंने सर ना सब कुछ तैयार करके बना भी रखे हैं। अच्छा, पर बशर्ते ये कि कुछ आगे करो, मैं जो वो वाला पोर्शन है वो छोड़ा हुआ है। ठीक है। वैट अफसर ने अपने माथहत इंस्पेक्टर को हुक्म दिया कि मौके पर जाकर टैक्स पेनल्टी का आकलन करके बताए। मौके से लौटकर इंस्पेक्टर ने टैक्स पेनल्टी की रकम 75,000 रुपए तय कर दी। अंडरकवर रिपोर्टर ने 75,000 रुपए की पेनल्टी को 30,000 रुपए करने की गुजारिश की। जाहिर तौर पर यह गुजारिश यूं ही पूरा नहीं किया गया, 10,000 रुपए में इंस्पेक्टर और उनके साहब की डील हो गई। दफ्तर के जिस कमरे में इंस्पेक्टर साहब बैठे थे उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंडरकवर रिपोर्टर ने जब मेज पर पैसे रखे तो इंस्पेक्टर साहब हड़बड़ा गए और कहा कि ऐसे कैसे पैसे दे रहे हो, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी जेब में नोट की गड्डी सरका ली। दिल्ली सरकार की माथहत आने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी अगर आप घूस देने को तैयार हैं तो अधिकारी कोऑपरेट करने में सदैव तत्पर रहते हैं। दिल्ली के पॉश द्वारका इलाके की हाउसिंग सोसाइटी का ब्यौरा जानने के लिए अंडरकवर रिपोर्टर को सरकार की मुट्ठी गर्म करनी पड़ी। मैं आऊंगा सर आपके पास। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। और आप ना तो दो तीन और काम पड़ेंगे। नहीं, द्वारका में ना कुछ हाउसिंग सोसाइटी हैं, उनकी फाइल भी चाहिए सर, उनकी पूरी फाइल। और आइए अब चलते हैं जनता जनार्दन से सीधे डील करने वाले ट्रांसपोर्ट दफ्तरों में।
दफ्तरों के बाहर एक बार फिर दलाल जमा है और ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर रजिस्ट्रेशन और परमिट तक की बोली लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार की जड़ें इस दफ्तर में कितनी गहरी हैं, ये जानना मुश्किल है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने लाइसेंस बनवाने के लिए ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का रुख किया। खर्चा कितना आएगा? ₹2200 तो आपकी हेल्प रहेगी इसमें? बनवा के दे दोगे? हमें टैक्स पे बैठना पड़ेगा? अच्छा, फेल हो गए तो हमारे पैसे वापस होंगे, अगर नहीं कुछ होगा तो कुछ। ऐसा ही हाल दूसरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का भी है। यहाँ ऐसे एक दो नहीं बल्कि दर्जनों दलाल आपको मिल जाएंगे। और जब इन दलालों की शिकायत हमने ट्रांसपोर्ट के अधिकारियों से की तो सुनिए जवाब क्या मिला। लेकिन आपको पता हो रहा है सर, पूरी दिल्ली में? आपको नहीं पता पूरी दिल्ली में हो रहा है? कहाँ नहीं हो रहा है? कौन से दफ्तर में नहीं हो रहा? एमसीडी में नहीं हो रहा, एनडीएमसी में नहीं हो रहा, कोर्ट के बाहर नहीं हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा? दलाल और भ्रष्टाचार के सवाल लेकर जब हम दिल्ली के पूर्वोत्तर दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गए तो जरा सुन लीजिए क्या कहते हैं जिलाधिकारी साहब। चीफ मिनिस्टर खुद क्लेम कर रहे थे 30%, और हमें तो कुछ और मालूम हो रहा था कि रेट डबल हो गए लोगों के जो पैसे लेके काम करते हैं, दे हैड बिकम मोर केयरफुल। तो आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह पाया कि किस तरह भ्रष्टाचार का खेल हर सरकारी महकमे में धड़ल्ले से चल रहा है। उमेश डंग और सपन गुप्ता के साथ अक्षय सिंह, दिल्ली आज तक। पैसे लिए जा रहे हैं, पैसे लेकर सलाम भी किया जा रहा है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है, कई डिपार्टमेंट और भी हैं। सवाल इससे अति है, सवाल है एक सरकार आई भ्रष्टाचार पर नकेल कसने को लेकर। प्रोफेसर आनंद कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के इस बार दिल्ली में प्रत्याशी भी हैं। आनंद जी, जो डीएम कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जब सरकार थी उस वक्त डबल देना पड़ता था क्योंकि केयरफुली लेना पड़ता था, यानी भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए अगर उपाय कीजिएगा तो जनता पर डबल मार पड़ेगी, क्या जवाब है? अब ये तो आपकी तरफ से जो रिपोर्ट आई है ये व्यावहारिक सच है कि जब जोखिम होता है, खतरा होता है, तो गलत काम करने वाले उसका ज्यादा मुआवजा मांगते हैं। और इस मायने में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौर के बारे में ये कहना गैर वाजिब नहीं होगा कि उस समय भ्रष्टाचारियों में डर था कि पकड़े जाएंगे, सजा हो जाएगी, फंस जाएंगे। तो भाई अगर गलत काम हमसे कराना चाहते हो तो मैं आदत से तो बाज आ नहीं रहा हूं लेकिन उसका दाम ज्यादा लूंगा। और आज जो हो रहा है, जैसा आपने जिक्र किया कि भ्रष्टाचार की दर घट गई है, लेकिन यानी रेट घट गया है लेकिन दर बढ़ गई है, आज तो लोग फिर बेफिक्र हो गए कि नहीं। आनंद प्रोफेसर आनंद कुमार जी, एक देखिए आप, चूंकि मेरे ख्याल से आप दिल्ली में आप प्रत्याशी भी हैं, चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, जनता दिल्ली की जनता एक बात सोच रहे होगी इस कार्यक्रम को देखते हुए कि अगर आपको जिता देते हैं तो डबल पैसा देना होगा, अगर किसी दूसरे को जिताते हैं तो खुला खेल है, कम पैसे में काम हो जाएगा। सवाल खाली ये आ गया है कि जनता अब करे क्या, उसके सामने कौन सा रास्ता है? चुनाव तो कोई रास्ता बचा नहीं। मैं आपकी इस राय से बिल्कुल सहमत हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जब तक ऊपर से लेकर नीचे तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनेगी, रास्ता सचमुच बहुत संकरा होता जा रहा है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी की यह कोशिश है कि दोहरी मार पड़नी चाहिए भ्रष्टाचार पर। पहले तो भ्रष्टाचारी जो जमाते हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ाया, उनको संसद में पहुंचने से रोकना है, और दूसरे ऐसा इंतजाम करना है जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और स्वराज नगर और गांव तक पहुंचे, वरना ये जो ताकतें हैं इतना ज्यादा सरकार का हस्तक्षेप। नहीं, आपने इस बात का जिक्र किया, एक बात बताइए जगदीश मुखी जी, आपने शुरुआत में एक बात कही थी, हम लोगों ने जहां से कार्यक्रम शुरू किया आपने कहा कि हो सकता है, संभव है, गवर्नेंस की बात है, गवर्नेंस ठीक रहे तो नकेल कसी जा सकती है। तो मुखी साहब, आपको लगता है कि गवर्नेंस लगातार दिल्ली में और पूरे देश में बिगड़ा रहा है, सिर्फ यही वजह है?
कि भ्रष्टाचार जारी है, घुसखोरी जारी है। जी मैं इससे सहमत हूँ आपकी बात से, और मैंने एम्फेटिकली ये बात आपके सामने रखी है कि कानून हमारे देश में बहुत अच्छे हैं, सख्त कानून हैं, उनको कार्यान्वित करने के अंदर कोताही है, यानी जो शासक दल है वो इस जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकता। कोई भी शासक दल रहा हो, जो भी पीरियड जिसका रहा है, शासक दल की जिम्मेवारी रहती है कि वो कानून को इम्प्लीमेंट करे, सख्ती से इम्प्लीमेंट करे, और उसके लिए ब्यूरोक्रेसी पर शिकंजा कसना पड़ता है। ये ब्यूरोक्रेसी पर यदि शिकंजा कसने के अंदर कामयाब नहीं होती तो निश्चित रूप से जो रूलिंग पार्टी है वो जिम्मेवार है इसके लिए। ये मैंने पहले भी बात कही थी और आपने जो कहा है उसे मैं सहमत हूँ। नहीं, अभी हम किसको जिम्मेदार माने? अभी एलजी का शासन है, राष्ट्रपति शासन लागू, अभी हम किससे गुहार लगाएं कि आप कुछ कीजिए? निश्चित रूप से ये भी सरकार जिम्मेवार है। एलजी का तो नाम है, यानी केंद्र की सरकार जिम्मेवार है, केंद्र में भी चुनी हुई सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वो जिम्मेवार है। देखिए, इससे पहले अरविंद केजरीवाल की सत्ता थी, मनीष सिसोदिया के पास डिपार्टमेंट, चूंकि मनीष सिसोदिया भी जुड़ गए, हमको लगता है ये बड़ा मौजूद वक्त है, मनीष सिसोदिया जी के पास हम चले, उससे पहले हमको लगता है डीएम की उस हिस्से को जरा सुनवा देते हैं। डीएम का क्या कहना था जिस समय अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उसके मद्देनजर क्या कहना था, जरा उसे पहले सुन लें। खुद क्लेम कर रहे थे 30%, और हमें तो कुछ और मालूम हो रहा था कि रेट डबल हो गए हैं लोगों के जो पैसे लेके काम करते हैं, दे हैड बिकम मोर केयरफुल। ओके, ये उसका दूसरा हिस्सा था। मनीष, जिस बात का जिक्र डीएम ने किया इससे पहले एक रिपोर्ट में, वो हम दिखाने की फिर कोशिश करते हैं। दरअसल उसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल थे तो उस समय डबल रेट था, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा देखनी थी, पैसा लेना था, काम भी करना था, तो डबल रेट था। अब सवाल यह है कि आपको जनता क्यों वोट दे दे? आप आते हैं तो डबल रेट हो जाता है, यहां है तो खुला खेल है, आधे ही पैसे में काम हो जाता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टोटली कॉलेप्स है, करे क्या जनता? देखिए, इसीलिए सरकार किसी की आए, कोई मंत्री पैसा नहीं खाएगा, चीफ मिनिस्टर पैसा नहीं खाएगा तो डर लगेगा, और ऊपर से अगर चीफ मिनिस्टर कह दे कि स्टिंग ऑपरेशन करिए, रिकॉर्ड करके मुझे बताइए, मैं ऐसे लोगों को जेल भिजवाऊंगा, तो और डर पैदा होता है। उस डर का इम्पैक्ट थोड़ा तो रहता है, लेकिन वो थोड़े दिन रहता है, फिर पता चलता है कि चीफ मिनिस्टर बहुत सारी चीज़ों में बिजी हो गया। असली चीज़ ये थी कि इसीलिए जनलोकपाल जैसा कानून दिल्ली में चाहिए, जनलोकायुक्त या जनलोकपाल, उसको जो भी कहिए, लेकिन जनलोकपाल जैसी लाने की बात होती थी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक हो गए, बोले हम 40 तय करेंगे जनलोकपाल इस विधानसभा में आएगा कि नहीं आएगा, हम 40 लोग मिलकर तय करेंगे। अरे, आप लोग 32 और 8 थे, आप लोग 40 हो गए अचानक जनलोकपाल के खिलाफ। तो ये जो अभी बता रहे हैं, वो चाहे डीएम बताएं, आपका स्टिंग ऑपरेशन जो बता रहा है, इसके तार सीधे सीधे उस बात से जुड़ते हैं कि कैसे दिल्ली की विधानसभा में जब जनलोकपाल बिल पेश किया जा रहा था तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक हो गए, नहीं जी, होम मिनिस्ट्री का एक ऑर्डर ज्यादा महत्वपूर्ण है, संविधान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, संविधान में चाहे जो भी लिखा हो, कानून में चाहे जो भी लिखा हो, लेकिन होम मिनिस्ट्री के एक ऑर्डर को जरूर मानेंगे, और हम 40 लोग मिलकर तय करेंगे कि जनलोकपाल बिल नहीं आ सकता, इस तरह से जनलोकपाल बिल नहीं लाने देंगे। जनलोकपाल के जो खिलाफ साजिश थी वो इसी डर की वजह से थी, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के नेता, बहुत सारे नेता इस तरह के करप्शन को जन्म देते रहे हैं। आप नगर निगम देख लीजिए, दिल्ली नगर निगम, या आप दिल्ली सरकार देख लीजिए पुरानी, दोनों के पार्टियों के नेता इस तरह के भ्रष्टाचार को पनपाते रहे हैं, उसका संरक्षण देते रहे हैं, इसीलिए दोनों के दोनों पार्टियों के नेता दिल्ली विधानसभा में एक हो गए और जनलोकपाल बिल के खिलाफ हो गए थे। प्रसन्न जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जी बोलें। प्रसन्न जी, मैं बात कहना चाहता हूं, एक ये जो मनीष जी बोल रहे हैं, एक झूठ होता है, एक सफेद झूठ होता है, उससे बड़ा झूठ ये बोल रहे हैं। मैंने आपके सामने पहले जिक्र किया कि ये इतना अच्छा मौका था केजरीवाल साहब के लिए जन लोकपाल बिल पास कराने के लिए, वो चाहते तो ये पास हो सकता था। 70 के 70 विधायक चाहते थे कि जन लोकपाल बिल पास किया जाए, किंतु वो अपनी जिद के अंदर अड़े रहे कि मैं इसे एलजी के माध्यम से नहीं लाऊंगा। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है मनीष जी, जो आप बोल रहे हैं? यानी हर व्यक्ति चाहता था, हर मेंबर चाहता थे बिल पास हो, किंतु आपने का यदि बिल पास नहीं हुआ है उसके लिए केवल मात्र केजरीवाल साहब स्वयं जिम्मेवार हैं। ये उनकी जो हट थी, राज हट जो था कि मैं इस माध्यम से नहीं लाऊंगा, मैं कानून तोड़ूंगा, मैं नियम तोड़ूंगा, मैं विधान तोड़ूंगा, मैं संविधान तोड़ूंगा, ये जो उनकी प्रक्रिया थी, हम उससे सहमत नहीं है, हम बिल के साथ में है। इसका मतलब ये मान लिया जाए कि वही कह रहा हूं, कम से कम इतना झूठ मत बोलिए। आप सारे लोग कहते रहे हैं, कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं आप ही झूठ बोल रहे हैं ना, सारे के सारे चाहते थे बिल पेश हो, आपने बिल पेश नहीं किया ढंग से, आपने इलीगल ढंग से बिल पेश किया है, आपने जानबूझ के ऐसा किया है,
उनकी प्रतिक्रिया भी ले ले मुखी जी। आज आप ये झूठ बोल रहे हैं, 70 के 70 विधायक चाहते थे बिल पास हो, नहीं जा सकती आपसे, लेकिन आप लोगों की गलत नीतियों की वजह से आज दिल्ली में हालत यह है कि होम मिनिस्ट्री एक ऑर्डर पास करके बैठ गई है और दिल्ली विधानसभा को होम मिनिस्ट्री के एक ऑर्डर ने गुलाम बना दिया। आप जन लोकपाल बिल पास कराना नहीं चाहते थे, आपका मकसद जन लोकपाल बिल पास कराना नहीं था, हंगामा करना आपका मकसद था। अरे संविधान के हिसाब से एक मुख्यमंत्री कानून पेश कर रहा है विधानसभा में, बिल्कुल इलीगल पेश कर रहे थे, वो इलीगल पेश कर रहे थे, इलीगल ही पेश कर रहे थे, आपको शर्म नहीं आती? पता था इलीगल पेश कर रहे हैं, उसके बावजूद कर रहे थे, इलीगल पेश कर रहे थे, कानून के विरुद्ध बिल्कुल विरुद्ध कर रहे थे और जानबूझ करके कर रहे थे, क्योंकि वो जन लोकपाल बिल लाना नहीं चाहते थे, भागना चाहते थे जानबूझ करके, हंगामा करना मकसद था आपका, आपका मकसद जन लोकपाल बिल पास कराना नहीं था, जेल भेजने से रोकती है, आपका मकसद पास कराना नहीं था बिल, संविधान की कौन सी धारा के खिलाफ था, कानून की कौन सी धारा के खिलाफ था, आप मुझे बताइए तो सही। मैं बताता हूं आपको, सुनिएगा, मैं बताता हूं सुनिएगा आप सुनिएगा, मैं बताता रहूं आपको। देखिए, किसी भी कानून को लागू करने के लिए नियम बनाए जाते हैं, जिस समय नियम नोटिफाई हो जाते हैं वो विधान का रूप धारण कर लेते हैं, और वो विधान का रूप होता है जो नियम होता है, एक बार नोटिफाई होने के पश्चात आप उसका उल्लंघन करके, आपका जो मकसद एक है, परिपाटी को भंग करो, नियमों को तोड़ो, विधान को तोड़ो, संविधान की उल्लंघना करो, यही आपका कारण है। आप नहीं अराजकता फैलाना चाहते पूरे देश के अंदर, आपने जो भी काम किया अराजकता फैलाने के लिए किए हैं, सिवाय हम जरा सा मनीष मुखी जी, हम जरा सा आपको रोक रहे हैं। देखिए ये बड़ा महत्व, आप जो लोग जो सोच रहे हैं कि दरअसल कानून आ जाए, हम इस सवाल को लेकर बैठे हैं कि हमने 16 विभाग दिल्ली के टटोले, हर जगह नोट चाहिए तो ही काम होगा, बेखौफ तरीके से काम होगा, और हम लगातार इस बात का प्रयास कर रहे थे इस दौर में कि दिल्ली में अगर कोई गवर्नेंस अभी काम कर रही है, राष्ट्रपति शासन है, कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, कोई दबाव नहीं है विधायकों का, कोई गठबंधन का दबाव नहीं है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, मनीष जी से भी पूछना चाहता हूं, मुखी जी से भी, आपको वोट चाहिए, अधिकारी को नोट चाहिए, जनता कहां जाए? मैं जवाब देना चाह रहा हूं, जनता को सीधा सीधा जिम्मेवारी रूलिंग पार्टी की बनती है। आज दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू है, आप कहते हैं एलजी के पास गुहार करें, एलजी एक प्रतिनिधि है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है, और केंद्र में कांग्रेस की सत्ता है, हमने कांग्रेस के खिलाफ ही ये बात सारी जाती है। अच्छा, बरखा सिंह हमारे साथ मौजूद है, हमको लगता है उनको भी जोड़ने, वो खामोशी से बैठी हुई है, दरअसल रही है। एक मिनट मुखी साहब, बरखा सिंह जी, आप 15 बरस दिल्ली में सत्ता रही और हम लगातार जिस कैमरे के जरिए परख रहे थे उसमें अधिकारी इस बात का जिक्र करते नजर आए कि ये परंपरा है, चली आ रही है, पैसा दीजिएगा तो काम होगा, ये ककहरा राजनीति ने सिखाया या ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट है, कौन है भ्रष्ट? बरखा जी, देखिए आज भौतिकवाद की चरम सीमा है, और मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे लोग भ्रष्ट हैं, सारे अफसर भ्रष्ट हैं, सारी पुलिस भ्रष्ट है, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए जो ये पार्टियों पे दोष लगा रहे हैं, बीजेपी चोर है, कांग्रेस चोर है, या दूसरी पार्टी चोर है, ये सब हम समझते हैं। मेरा अपना ये सोचना है कि सिस्टम में खराबी है, ये जब तक कि हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, इनको रिश्वत देता कौन है, इनको रिश्वतखोर बनाया किसने है? बरखा जी, हम देते हैं दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, अगर को लेनी पड़ेगी, अगर पानी नहीं पहुंचता है, अगर टैंकर माफिया काम करता है, अगर बिल सही तरीके से नहीं जाता है, अगर मीटर काम नहीं करता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही जब नहीं होगा तो अधिकारी तो उसके बाद लूट खसोट करेगा ही ना, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से हमने जो एक आंकड़े निकाले, बात आपसे कह रही हूं, जितना पैसा अधिकारियों को मिलता है बरखा जी, उससे 3 गुना ज्यादा घूस में लिया जाता है। दिल्ली की स्थिति ये है, हम ये मुश्किल आ गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा। वही बात मैं आपसे कह रही हूँ प्रसून जी, मैं वही बात आपसे कह रही हूँ कि आज सरकारी अफसरों की तनख्वाहें इतनी ज्यादा हो चुकी हैं, उसके बावजूद उनको अगर घूस देता कौन है? हम देते हैं, हम अपने हम लाइन में खड़े नहीं हो सकते,
हमें पासपोर्ट बनाने जाना है, हमें पानी चाहिए, आपने घुस हमें कुछ काम कराना है, इसका मतलब है आपने घुस दिया है? बरखा जी ये कह रही हैं, आपने घुस दिया है क्या? नहीं नहीं, सिस्टम ऐसा है, मैं सिस्टम की बात कर रही हूँ। आज जो सिस्टम है इसमें हम सब दोषी हैं, हमाम में सब नंगे हैं। देखिए प्रसून जी, इस बात को हम कहीं नकार नहीं सकते, और बजाय इसके यहाँ बड़े बड़े लोग आपके पास बैठे हैं कि केजरीवाल जी आए तो भ्रष्टाचार कम हो गया, कम हो गया तो फिर चले क्यों तो गए? ये भाई? बात बरखा जी, बात बताइए, नहीं नहीं बरखा जी बात बताइए, इस बात का जिक्र अभी आपने किया, ये जानकारी आपने राहुल गांधी जी को दी थी? वो ऑर्डिनेंस लाना चाहते थे, वो भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए क्या राष्ट्रपति ने तो लौटा दिया, लेकिन आपने ये कहा कि हमाम में सब नंगे हैं। बिल्कुल, मैं आपको हमारे हमें नहीं, उन्हें कहा, हर इंसान कोशिश तो करता ही है, कोशिश तो करता ही है, और कोशिश वो भी कर रहे हैं, कोशिश और लोग भी कर रहे हैं। तो इस कोशिश का फायदा क्या है जब हमाम में सभी नंगे हैं? भ्रष्टाचार खत्म हो, कोशिश तो होती है ना, प्रयास तो होता ही है, प्रयास ये भी आम आदमी भी कर रहे हैं, प्रयास बीजेपी ने भी किया। अभी आपने बहुत पुराने रिकॉर्ड अभी मैं देख रही हूँ, आपने आदरणीय वाजपेयी जी के टाइम से जो रिकॉर्ड निकाले हैं वो भी मैं देख रही हूँ सब, तो इसलिए मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। मनीष, मैं सबसे अलग हट के बात, हमें लग रहा है मनीष एक चीज बताइए, आप लोग एक को दोष देना, आप लोगों ने अपनी राजनीति का आधार ही भ्रष्टाचार पर नकेल कसने वाला बनाया, दिल्ली ने ही वो आंदोलन देखा। सवाल अब ये आ गया है कि इस परिस्थिति में आम आदमी क्या करे, आम जनता क्या करे जिसके घर में पानी नहीं आ रहा है, बिजली बिल का चक्कर है, ट्रांसपोर्ट क्या फंस गया, रजिस्ट्री क्या करे वो? बिल्कुल प्रसून, और ये राजनीतिक प्रयोग सफल होना ही चाहिए, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने ये कहा जब विधानसभा में दोनों एक हो गए कि चलो जी वापस जनता के पास चलते हैं, जब तक 36 विधायक नहीं होंगे ये विधानसभा में काम नहीं करने देंगे, क्योंकि बिजली का कानून लेके आएंगे फिर ये कहेंगे पहले होम मिनिस्ट्री में जाओ, ये पानी का कोई कानून लेके आएंगे, कुछ और चीज लेके आएंगे, ये कहेंगे होम मिनिस्ट्री में जाओ, इसीलिए वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं जनता के बीच में। इस बार जनता को जाके समझाएंगे, इस बार 36 से ज्यादा सीटें देना, 36 से ज्यादा सीट आएंगी तो कम से कम ये कांग्रेस और बीजेपी वाले एक हो जाएं, तब भी बहुमत में नहीं आ सकते। आपका कहने का मतलब ये है कि जो बहुमत में सरकार आ जाए, ऊपर में करप्ट ना रहे, चीजें सुधर जाएंगी, आप ये कह रहे हैं? लेकिन यहां तो मामला डबल का भी आ गया था ना। बिल्कुल, बहुत अंतर पड़ेगा, और जब तक विधानसभा से ऐसे कानून नहीं, ये 15 साल से बरखा जी की पार्टी की सरकार थी, 65 साल से कांग्रेस बीजेपी दोनों की मिलीजुली सरकारें अलग अलग समय पे देश में चलती रही हैं, राज्यों में चलती रही हैं, इस सिस्टम को बनाएगा कौन? टेलीविजन पे बैठ के ये कहना कि सिस्टम खराब है, सिस्टम को बनाया किसने, इस सिस्टम को बिगाड़ा किसने? ये आम आदमी अगर लाइन में ना लगे तो क्या करे? लाइन में लग के उसको घंटों तक लाइन में लगने के बाद दोपहर को पता चलता है साहब उठ गए हैं, रिश्वत देने वाले लोग काम करा लेते हैं, तो फिर क्या करे आम आदमी? आम आदमी या तो पैसे देता है या धक्के खा के वापस चला जाता है। कि आम आदमी को दोष देना सबसे आसान है जी, हम रिश्वत देते हैं इसलिए ऐसा हो गया है। अरे जी कौन सा नेता ट्रांसफर, दिल्ली सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होते थे बिना रिश्वत के? नहीं यकीनन, दीपक एक चीज बताइए, हमको लगता है सब लोग सुन रहे हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में आपने प्रखा एक कॉमेंट के साथ, चूंकि हम ब्रेक लेना चाह रहे थे, ये क्या मान लिया गया कि बिना घूस के काम होता नहीं है, बिना घूस के काम करेंगे नहीं, घूस दीजिए, ये क्या लगा वहां देखने पर परखने पर क्या लगा? ये तुरंत की उपज है, बरसों से चली आ रही है, या यही सबसे बड़ा आधार है, क्या लगा? देखिए हमने शीला दीक्षित की सरकार के टाइम पर भी दिल्ली में स्टिंग ऑपरेशन किया था, तब भी लोग पैसे ले रहे थे। जब केजरीवाल साहब की सरकार आई थी तब भी हमने स्टिंग ऑपरेशन किया, तब भी लोग पैसे ले रहे थे। लेकिन हाँ ये बात मानते हैं कि मनीष ने तब बहुत जल्दी जो है रिएक्शन किया और सस्पेंशन हुए, मुकदमे दर्ज हुए। जब LG जब प्रेसिडेंट रूल आया तब भी हमने स्टिंग ऑपरेशन किया और तस्वीर सामने है। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि पिछले जो भी फेजेस हैं करप्शन का जो मैग्नीट्यूड है बढ़ता जा रहा है, स्केल बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में मैं एक कमेंट जगदीश मुखी साहब से ज़रूर लेना चाहूँगा। उनका कहना है कि भाई हमारी जो सरकार दिल्ली में पिछले 15 साल से नहीं है, हम अगर आते हैं तो हम जीरो टॉलरेंस देंगे। मुखी साहब आपके पास कौन सा फार्मूला है? क्योंकि आपने अभी कुछ देर पहले ही कहा है कि आप जीरो टॉलरेंस, आपके सत्ता हम में कॉमेंट आते ही। हम इनसे पास चलेंगे, हम कॉमेंट लेके लेंगे। ऑपरेशन रंगे हाथ में अलग अलग विभागों में जिस तरीके से घूस ली जा रही है और घूस खुले तौर पर ली जा रही है, और इन सब के बीच कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बच रहा है जिसमें हमने टटोलने की कोशिश नहीं की कि यहाँ ईमानदारी से कुछ तो काम हो जाए। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले का ऑपरेशन हमारा दिल्ली पुलिस को लेकर था,
यानी वहां से भी घूस ही ली गई थी। वो मामला सीबीआई तक जाने की बात थी, कह दिया गया था, लेकिन सीबीआई ने कहा इस पे हम जांच नहीं करेंगे। 6 दिन पहले ही वो वापस कर दी गई स्थिति। लेकिन अब सवाल है कि दरअसल ये घूस जिस लिहाज से ली जा रही है, पहले उसका एक सिलसिला देख लीजिए, कैसे लोग घूस लेने से पहले क्या क्या कहते हैं और कैसे कैसे किस किस डिपार्टमेंट में कितने घूस लेते हैं। अब आप जैसा मर्जी समझ लीजिए, इतना सोच लीजिए कि प्राइवेट वगैरह आप लेते हो ना तो 2,500 रुपये से कम नहीं लेते। और पानी भी उनका बोरिंग का होता है, कई बार बालू रेत भी आता है और बाकी पानी तो अरे नंबर वन का पानी होता है। कितना दे दूँ आप ठीक समझो, जैसा भंडारे का काम है, हम भी जाते, शादी होती तो मैं आपसे कुछ भी बोल देता। मेरे पास है कुछ लोग, मगर इतनी मेहरबानी हमारे ऊपर कर लेना, इतनी मेहरबानी हमारे ऊपर कर लेना आपने। कितना है? एक दो तीन चार, इतनी मेहरबानी हमारे ऊपर कर लेना कि आप है ना गुणगान किसी को मत करना किसी का। ये 2,000 रुपये हैं, ठीक है, और जितना आप बाकी कहोगे बाकी और दे दूंगा मैं आपको। नहीं और नहीं लूँगा मैं, एक भी आपसे काम आपका हो जाएगा, पर्ची आपकी बनवा दूंगा। हाँ। मंडे को बनेगी, अब टाइम खत्म हो गया। अब कितनी देर में टैंकर पहुँच जाएगा? अब वो मैं भी आपके सामने फ़ोन करके बात कर लेता हूँ, लेकिन इसमें आपका है ना मैं आपके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी को ये ना कहना मेरे पैसे दे रहे हैं। बोले हमारे अफसर से जान पहचान उसे कैसे करवाए, क्योंकि केजरीवाल ने ऐसा करा, उधर के डाकू तो इधर कर दिए, इधर के डाकू उधर कर दिए, मतलब जो स्टाफ उसने चेंज करा है ना, जो ईदगाह पे बैठे हुए थे टैंकर सप्लाई करते थे यहाँ भेज दिए, यहाँ वाले बवाना भेज दिए, बवाना वाले साउथ भेज दिए, साउथ वाले सांगरा भेज दिए, ऐसे कर दिए, मतलब डाकू आगे पीछे कर दिए। तो लेकिन को आदत वही पड़ी हुई मारने की खाने की, तो वो वहाँ वाले आ रहे हैं फड़फड़ाते फिरते हैं, पार्टी से पूछते हैं तेरे पैसे दे क्या, तेरे पैसे दे क्या, मगर मैं हमने कुछ नहीं दिया, मैं अप्रोच थी उनसे जान रहे कैश उनसे करवाया, 1,000 रुपये दे क्या, इसलिए मेरे पर मेहरबानी। केजरीवाल के टाइम में तो नहीं होगा ना ये? क्या केजरीवाल के टाइम में उसका हमारे पास उन्होंने बोल दिया ना उस टाइम में, ये बोल दिया कि किसी का काम होता है होने दो, नहीं होता नहीं, टाइम नहीं बचाना आपका, नहीं होता ना बाहर में करो, तब तो अपनी नौकरी सेव करो। और बात भी सही है, अगर आपके घर में आपका बॉस आपको बोलेगा तुम 25,000 रुपये की नौकरी खोओगे 1,500 रुपये के पीछे, समझो आप क्या देखते हो? ये देखते हैं रिकवरी तो फरा। अच्छा रिकवरी क्या सीन है, क्या चल रहा है, रिपोर्ट देनी पड़ती है आगे, थोड़ी और गुंजाइश। अब आप देखो मैंने बता दिया जो भी करना, कड़कड़ा के छुट्टी करो, नहीं तो फिर ये बड़े मैं रोक नहीं पाऊंगा फिर इसको आज के बाद। नहीं नहीं वो तो बात आपकी सही है, अरे आज ही रोक लिया, बहुत मेहरबानी, तभी तो सर टाइम से उठा के तभी तो मेरे को ले आया उठा के, आपके आने से पहले आपके दफ्तर में बैठे हुए थे। नहीं मैं आ तो गया था, साइड पर नहीं गया था किस काम से, और किसी आ तो गया था। ये रास्ता जाता किधर है, बात सुलझेगी कैसे? डाकू कहा जा रहा है खुले तौर पर, एक फिल्म आई थी पान सिंह तोमर, उसमें तो कहा था, डायलॉग था फिल्म का, संसद में डाकू यहां पर कोई रिपोर्टर नहीं कह रहा है, रिपोर्टर के साथ गया व्यक्ति नहीं कह रहा है, डाकू जो है वो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को डाकू कह रहा है और वो डाकू रिश्वत भी ले रहा है, ये पराकाष्ठा है। ओके नलिन कोहली जी, वो कौन सा फार्मूला है जिसके जरिए आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, घूसखोरी बंद हो जाएगी? हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही है। हेलो आपको आवाज आ रही है मेरी क्या? हाँ हाँ आ रही है। प्रसून भाई यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है देश के सामने, क्योंकि ये घूस खाने वाले और घूस देने वाले सब जो है हमारे समाज से ही है दोनों। आपने जो बात कही एक्चुअली सिस्टेमिक चेंज की आवश्यकता है, सबसे पहले तो आपको पॉलिटिकल विल चाहिए, इसको कहते हैं इच्छा शक्ति राजनीतिक, उसके साथ आपको चाहिए सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेसेस। भाई अगर सरल सिस्टम्स होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, पारदर्शित होंगे, तो घूस की गुंजाइश वैसे ही घट जाती है। और उसके बाद जो कानून है, जैसे भी आप मानिए, लोकपाल हो दूसरे कानून, स्विफ्ट इंप्लीमेंटेशन, इन तीनों के एक साथ होते होते ही भ्रष्टाचार जो है मारी जा सकती है। नहीं तो हम भी घूमते जाएंगे, सब घूमते जाएंगे जलेबी में, पहले भी घूस था अब भी घूस है, ये विषय जो है हमेशा हम डिबेट करते रहेंगे। नहीं नलिन जी एक सवाल है, क्योंकि हम लोग लगातार, चूंकि स्टिंग ऑपरेशन, दीपक हमारे साथ बैठे हुए हैं, लगातार स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है, चाहे वो शीला दीक्षित की सरकार हो, चाहे वो केजरीवाल का दौर हो, चाहे वो अब एलजी का दौर आ गया, यानी राष्ट्रपति शासन, वैरायटी ऑफ शासन तो आ गया,
लेकिन घूस में कहीं कोई परिस्थितियों में कमी नहीं आई, सिवाय इसके कि केजरीवाल के दौर में नकेल कसा जा रहा था तो रेट डबल हो गए थे, बड़ी सुरक्षा के साथ चीज़ें चल रही थी, वो अधिकारी भी कह रहे हैं और क्या क्या गालियां दे रहे हैं हम आपको सुना नहीं सकते हैं, वो हमने वहां पर बिप का इस्तेमाल किया है। हमारा खाली सवाल ये है कि अगर सिस्टम इस तरीके से करप्शन के बिना नहीं चल सकता है, अगर हमारे यहाँ व्यवस्था फेलियर है, आप जिस नीयत की बात कह रहे हैं, जिस ईमानदारी की, वो आएगी कहाँ से? इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, पानी नहीं है घरों में, चाहिए हमको पानी, बिजली का मीटर खराब है उसमें गड़बड़ी है, जो चीज़ें आ रही हैं उस सब में ठीक करने के लिए हर लेवल पे करप्शन है नली जी, फार्मूला अब क्या होगा इस देश में? थोड़ा सा माफ़ करिएगा, थोड़ा सा लंबा जवाब हो सकता है, लेकिन प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। प्रसून भाई, पहली बात है कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस एंड सिस्टम्स, यही तो मूल कहानी है। जनसंख्या बढ़ेगी, बढ़ती है, और उसके साथ में प्लानिंग के साथ सिस्टम्स और आपके फैसिलिटीज बढ़ने चाहिए, इसके लिए प्रॉब्लम आती है, इसीलिए तो चोकिंग होता है। भाई एम्स की अगर आप बात करते हैं, अस्पताल पे जो भीड़ आ जाती है वो इसलिए क्योंकि प्राइमरी सिस्टम्स जो आपके बिल्कुल निचले स्तर पे है या ग्रामीण इलाके में, उनकी फंक्शनैलिटी खराब है, इसीलिए तो लोग रेफरल हॉस्पिटल पे आते हैं और रेफरल हॉस्पिटल के बाद स्पेशलाइज हॉस्पिटल पे, वहां तक पहुंचना नहीं चाहिए अगर आपके सिस्टम्स में। अब आपने जैसे बिजली की बात की, ये तो रही सिस्टम एक, दूसरी बात है कि मैंने सरलता की जो बात की, एक उदाहरण देता हूं। हमारे यहां सिस्टम मैंने जो सुना है, एक होता है इंस्पेक्टर फॉर लिफ्ट, दिल्ली में बहुत कम है और वो लेबर डिपार्टमेंट में आते हैं। अब जैसे गुजरात में ये प्रश्न उठा, किस लिए इंस्पेक्टर चाहिए आपको? कहने के लिए कि लिफ्ट सुरक्षित है, कंपनी जो बेचती है अच्छा लिफ्ट बेचेगी, लगाने वाले को ज्यादा चिंता होगी कि लिफ्ट सुरक्षित हो, नहीं तो मर जाएंगे अगर गिर गई। तो वहां पर गुजरात सरकार ने, मोदी जी ने तय किया कि भाई इसके ऊपर में दोनों तरफ से एफिडेविट आ जाए और वो रिस्पांसिबिलिटी इसके लिए ले ले, तो कहीं पर भी स्कोप ऑफ डिले नहीं है। नहीं तो हर लिफ्ट, हजार बिल्डिंग रोज बन रही है अगर, या हजार बिल्डिंग्स में इंस्पेक्शन करना है, संभव नहीं है। यही मैं उदाहरण कह रहा हूं सरलता ऑफ सिस्टम्स के, स्वाभाविक है, इसकी गुंजाइश हर जगह है। भाई कानून की प्रक्रिया से शिकंजा कसने की जो बात है वो फास्ट होगी पर वो लास्ट है, शुरू में अगर करप्शन नहीं होगी अब तभी तो जाकर कानून में प्रेशर घटेगा, लेकिन हर चीज अगर कानून में जाए वहां हम नलिन जी, नलिन जरा सा रोक रहे हैं आपको, ये बताते हुए रोक रहे हैं कि क्योंकि हम एक समाधान खोजने की परिस्थिति में भी थे और जो घूस ली जा रही है उस पर कोई डर भी है या नहीं है? पिछले डेढ़ घंटे हो गए हमने लगातार टेलीफोन लगवाया है कि एल जी साहब के यहाँ फोन लगाइए, पूछिए क्या कोई कार्रवाई होगी नहीं होगी, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और आखिरी हिस्से में आएंगे, तब जरा ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर अलग अलग शासन व्यवस्था बदलने के बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है तो दिल्ली की जनता करे क्या? वोट पे भरोसा करे, नोट पे भरोसा करे? अब सवाल यह है कि दिल्ली के लोग अपने काम कराने के लिए कल से अलग अलग विभागों में जाएंगे, तो वहाँ जिन लोगों ने घूस ली है, जिन चेहरों को हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो पैसा लेके काम कर रहे हैं, जाहिर है कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो वो तो अब खुले तौर पर बोलेंगे। बरखा जी, क्या होना चाहिए और कल से क्या होगा, क्योंकि जिन्होंने घूस ली है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? फौरन सस्पेंड कर देना चाहिए जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, हम कहे कि आपने कहा सस्पेंड कर देना चाहिए, हमारा कहना है कि नहीं किया गया है, अब कल से क्या होगा? नहीं, फौरन उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई इनको करके इनको फौरन पकड़ना चाहिए। इनके चूंकि एल जी साहब से भी वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, पारदर्शी हैं, सख्त कदम उठाने वाले आदमी हैं, तो हम तो ये समझते हैं कि अगर ये खबर के बाद भी उनको फौरन ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए और उनको बर्खास्त करना चाहिए। दूसरी चीज एक मैं ये कहना चाहूंगी कि आज आदमी में पैसे का इतना लालच, इतनी जो लालसा बढ़ गई है, ये कहीं ना कहीं आदमी को करप्ट वन बनाती है। अभी मनीष जी कह रहे थे लाइन में खड़ा हुआ आदमी अगर पैसा दे, अगर लाइन में खड़ा हुआ आदमी ये तय कर ले कि हमें पैसा नहीं देना है, तो मैं समझती हूँ बरखा जी, कि आप हर आदमी अगर कांग्रेस सोचे की कि सदस्या हमें पैसा नहीं देना है। बरखा जी, आप तो कांग्रेस की सदस्या है, अगर आप कांग्रेस के इतिहास को उलट पुलट के देख लीजिएगा तो आपको याद आएगा कि आजादी के तुरंत बाद कांग्रेस से महात्मा गांधी ने कहा था ये समाज लोभी है, और उन्होंने मोतीलाल नेहरू से इस बात का जिक्र, इस बात को करते हुए कहा था कि लोभी समाज को रोकने के लिए आपको पार्टी के भीतर भी वैसी व्यवस्था करनी होगी जो नहीं की जा रही है। उसी वक्त उन्होंने आजादी के तुरंत बाद कांग्रेस से कहा था। तो समाज लोभी है,
ये बात आज की नहीं है। सवाल खाली अब ये आके खड़ा हो गया है कि हम लोग जिस मोड़ पर हैं उसमें अब रास्ता क्या है। प्रोफेसर आनंद कुमार, आप दिल्ली में ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो लोग इसमें प्रसून जी, मैं यही कहूंगी कि पार्टी लाइन से अलग हटके हम ये छोड़ दें कि हर पार्टी को छोड़ के एक अहम मुद्दा ये होना चाहिए कि हमें करप्शन हटाना है। एक हम सबको मिलके बैठ के इस पे चर्चा करनी चाहिए। हमारी सहमति है, हम खाली ये देख रहे हैं कि राजनीतिक टकराव में वोट चाहिए और जनता को अपना काम किसी भी हालत में कराना है, तो दिल्ली की पर कैपिटा इनकम अच्छी खासी है, वहां लोग पैसा देके काम कराने की स्थिति में आ जाते हैं, ये स्थिति आ गई है। प्रोफेसर आनंद कुमार, रास्ता क्या है? और कल जो लोग जाएंगे इन डिपार्टमेंट में जिन्होंने घूस लिया है, वो तो और चौड़े होकर कहेंगे जनाब देखिए कुछ कार्रवाई नहीं हुई हमारे खिलाफ, और पैसा दीजिए। प्रोफेसर आनंद कुमार, नहीं, आपने जो हाड़ी का एक चावल उठा के देखा है और वो बहुत खराब हालत में है। पूरा दिल्ली प्रशासन अरविंद केजरीवाल की सरकार के इस्तीफे के बाद पूरी तरह से गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में चला गया है, जिस पर कोई भी अंकुश लगाना मुश्किल है, क्योंकि विधानसभा है लेकिन नहीं है, जनप्रतिनिधि है लेकिन किसी जिम्मेदारी का उनको अवसर नहीं है, और उपराज्यपाल के जरिए जो शासन चल रहा है वो बिचौलियों का शासन चल रहा है, चाहे वो बिजली का बिचौलिया हो और चाहे वो छोटे मोटे दफ्तरों का बिचौलिया हो। अभी रास्ता यही है कि तत्काल जनता का जो भाव है उसको प्रकट करने वाले जनप्रतिनिधि सामने आए, और जैसे जी आम आदमी पार्टी की सरकार के समय में था, खाली मंत्री के आदेश से नहीं, पार्टी के स्वयंसेवक कार्यालयों में गए, शिक्षा से लेकर के चिकित्सालय तक गए। आज अगर कांग्रेस पार्टी नैतिक तौर पर जिम्मेदार है राष्ट्रपति शासन के लिए, नहीं ये तो आपने ठीक कहा प्रोफेसर आनंद कुमार, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बिक्री का डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हमने लगातार 16 डिपार्टमेंट कटोले 16 जगह पे। नलिन कोहली जी, एक कमेंट हम आपसे आखिरी चाहेंगे, अब कल से क्या होगा दिल्ली में अगर ये स्थिति बनी हुई है कि कैमरे पर पैसा भी ले रहे हैं कार्रवाई भी नहीं हो रही है? प्रसून जी, इच्छा तो बड़ी हो रही है कि प्रोफेसर अनंत कुमार के राजनीतिक बयान का मैं वापस जवाब दूं, लेकिन मुझे लगता है एक सकारात्मक हमारी चर्चा बंद हो जाएगी जी, तो मैं उसको लिटरली इग्नोर कर रहा हूं एट दैट कॉस्ट। अब ऐसा है, मैं ब्लंटली कहता हूं, अगर हमें खत्म करना है भ्रष्टाचार को, तो मैंने पहले पारदर्शिता की बात की, वैसे डिले किसी भी चीज में समय अगर ज्यादा लगता है करने में तो वैसे ही आपका करप्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि समय लग रहा है तो आप जल्दी कराने के लिए। 1948 से आप देख लीजिए स्वतंत्र भारत का हर साल लगभग या हर शासन में स्कैम्स आए हैं। तो मैं आपसे, मुझे कहने में कोई इसमें संकोच नहीं है, सामाजिक भी विषय है, क्योंकि अगर आप क्या करेंगे, अनंत कुमार जी जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, इसका बेसिक सोल्यूशन क्या है, स्टिंग करिए, सस्पेंड करिए, तो ऐसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, मीडिया वाले हो गए, हम सब के वर्गों में से करप्ट लोग हैं, इंसान करप्ट हो सकता है नहीं हो सकता है, पर अगर इसको सुधारना है, जब तक सिस्टेमिक सुधार नहीं लाएंगे, मतलब पारदर्शिता सिस्टम में और तेजी से काम हो, तो मतलब जनता जो है हमेशा ऐसे, हमें भी ये लग रहा था लगातार कि काम तेजी से होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई जवाब इस वक्त राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगा हुआ एलजी की तरफ से नहीं आया है। चर्चा हम यहां पर खत्म करें, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, नलिन जी, प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बरखा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल दीपक आपसे, इस स्टिंग ऑपरेशंस के बाद आपको क्या लगता है, चीजें सुधरती हैं या और बिगड़ जाती हैं? प्रसून, दहशत तो होती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई अगर नहीं हो रही है, तो ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि ऐसा लग रहा है जैसे एक क्राइसिस है गवर्नमेंट के अंदर, लग ही नहीं रहा है कि सरकार का माई बाप कौन है, क्या इसको शिंदे साहब चला रहे हैं, क्या मनमोहन सिंह चला रहे हैं, क्या एलजी चला रहे हैं, क्या चीफ सेक्रेटरी चला रहा है, आखिर कौन चला रहा है, जवाबदेही किसकी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? तो सबसे चौंकाने वाली चीज है कि ये हाल देश की राजधानी का है, अगर रांची लखनऊ का होता तो कोई बात नहीं थी। ओके, ये दिल्ली का हाल है, पॉलिटिक्स ही इस देश को चला रही है। तो छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दस्तक में लौटेंगे, तब इस देश की पॉलिटिक्स को, उसकी पारदर्शिता को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करेंगे।